नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते थे कि तो आज मैं एक ऐसा वीडियो बना रहा हूं जो कि बहुत हेल्पफुल है उन आर्टिस्ट के लिए या उन बिगनर्स के लिए जो आर्ट की फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स एक आर्ट बुक के बारे में आपको बताऊँगा जो अगर आप लेते हैं या आप सीखते हैं उससे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने आर्ट लर्निंग को लेकर के। और यहाँ मैं फ्रेंड्स इस बुक के बारे में आपको बताता हूँ कि ये है कला सैद्धांतिक की एक बुक है जो कि काफ़ी पॉपुलर है अमंग आर्टिस्ट और खासकर जो लोग BFA वगैरह कर रहे होते हैं उनके लिए ये बुक बहुत ही अच्छी होती है। और सबसे खासियत है फ्रेंड्स इसकी ये हिंदी में है और प्योरली आपको हिंदी में बहुत आसानी होगी समझने में, जो लोगों को इंग्लिश पढ़ने में मुश्किल होती है। अदरवाइज आप इंडियन आर्ट हिस्ट्री की बुक्स पढ़ सकते हैं, वेरियस आर्टिस्ट ने जो लिखी है अमेजोन पे भी जो अवेलेबल हैं, बट वो ऑस्ट्रियर भी हैं और आपको समझने में भी थोड़ी दिक्कत होती है खासकर हिंदी भाषी लोगों के लिए। तो ये बुक है, इसको चलिए मैं आपको यहाँ रिव्यू करता हूँ और इसमें मैं बताऊँगा कि इस बुक में क्या क्या है और कहाँ से आप इसको ले सकते हैं या खरीद सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टूडियो चलते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसको अब यहाँ पे फर्दर आके रिव्यू करते हैं कि इस बुक में ऐसा क्या खास है और ये क्यों इतनी पॉपुलर है, खासकर जो लोग BFA के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर जो लोग BFA में स्टडी कर रहे होते हैं या जिन जो भी आर्ट से रिलेटेड हैं जिनको और अदर प्रिपरेशंस करनी होती हैं आर्ट की वो इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स आपको बताऊँ कि इसका जो कंटेंट है, अगर आपके पास ये बुक है तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। तो देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया हुआ है सारी चीज़ों को और सबसे बड़ी बात है कि ये प्योरली हिंदी में है बुक, जो मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि अक्सर हमें ये कंटेंट हिंदी में नहीं मिलता और काफ़ी जो अच्छे अच्छे टैलेंट हैं उनको इंग्लिश की बुक समझने में इतनी डिफ़िकल्टी होती है। तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप हिंदी में इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए इन्होंने किन किन चीज़ों पर फोकस किया है इस बुक में, खासकर जैसे कि यहाँ पर मैं देखूँ तो इन्होंने फ़ाइन आर्ट्स को ही, जिसको ये ललित कला बोलते हैं, फ़ाइन आर्ट्स को ही कितनी कैटेगरी में बांटा है और इसमें डिटेल में बताया है। पेंटिंग हो गया, कॉमर्शियल आर्ट हो गया, दिस इज स्कल्पचर जो मूर्ति कला से रिलेटेड है, क्राफ्ट हो गया और ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई और आर्किटेक्चर हो गया जो कि वास्तु है जो एक अलग फील्ड है। तो इस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज़ किया हुआ है और बहुत अच्छे से इन्होंने एलैबोरेट किया है। ये बुक आपको फ्रेंड्स अगर ना मिले तो ऐसा परेशान मत होइएगा, तो आप किसी और आर्टिस्ट की ही इस तरीके की बुक ले लीजिएगा जो कि थ्योरी ऑफ आर्ट्स से रिलेटेड हो और इसमें बहुत अच्छे से समझाया है किस तरीके से, देखिए हेड प्रपोर्शंस होते हैं ह्यूमन फिगर के और वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, पूरे 7.5 जो पॉपुलर रेशियो है, 7.5 और 8 का जो रेशियो होता है हेड टू होल बॉडी, इस तरीके से इन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स कलर की थ्योरी के बारे में भी बात की गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी लोग काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसके इससे रिगार्डिंग जब आप BFA का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या फिर आप आर्किटेक्चर का डिज़ाइन का नाटा वगैरह दे रहे होते हैं या आप किसी डिज़ाइनिंग कोर्स को BDes वगैरह में एंट्रेंस दे रहे होते हैं वहाँ अक्सर पूछा जाता है। इवन फैशन डिज़ाइनिंग में भी निफ्ट के लिए जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं या कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे होते हैं उनमें भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। और उसके बाद इन्होंने जो आर्ट मूवमेंट है उसको भी यहाँ पे बताया हुआ है कि कितने तरीके के आर्ट मूवमेंट हुए, जैसे रिलिज़म हो गया, रेनेसा हो गया, सारी चीज़ों की बहुत अच्छे से डिटेल्ड है इस बुक में और आप इसको पढ़ सकते हैं। इम्प्रेशनलिज्म हो गया, फोविज़म हो गया, क्यूबिज़म हो गया जिसके बापलो पिकासो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, इस तरह से देखिए यहाँ पे सरलिज्म हो गया जिसके सल्वाडोर डाली बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, उन्होंने ये बनाया था, बहुत पॉपुलर है, आपने कई जगह देखा होगा फ्रेंड्स इसको। यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये स्केच बहुत, जो ड्राइंग है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जो इन्होंने टाइम के ऊपर बनाया था, बहुत पॉपुलर आर्ट था ये फ्रेंड्स सल्वाडोर डाली का। इसके बाद चलते हैं, देखिए फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव की भी इसमें बहुत अच्छी नॉलेज है और मैंने इस बुक को काफ़ी बार देखा है और स्टडी किया है और मेरे लिए मेरा तो यही सजेशन रहेगा फ्रेंड्स आपके लिए, इसमें सारे पर्सपेक्टिव भी हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट, तो आपको फ्रेंड्स ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए। इवन जो हिस्ट्री ऑफ आर्ट है देखिए कहाँ की किस तरीके की शैली थी और क्या स्टाइल था ये बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है इस बुक में। इवन मुग़ल स्टाइल क्या होती थी, मुग़ल शैली में किस तरह से आप आर्ट करते थे,
कैसे क्या क्या हमारी हिस्ट्री रही आर्ट की, बहुत जानना ज़रूरी होता है हर एक आर्टिस्ट के लिए। उसके बाद इन्होंने पीछे में बहुत अच्छा काम ये भी किया है कि जो बड़े आर्टिस्ट थे उनकी यहाँ पे डिटेल दी हुई है। देखिए राजा रवि वर्मा की बात हो चाहे फिर और बहुत सारे आर्टिस्ट जितने जिस टाइम पे हुए, नंदलाल बोस, हमारे इंडियन आर्टिस्ट की भी बहुत सारी बात हुई है, डिफरेंट शैलियों की बात हुई है, गढ़वाल शैली, जम्मू शैली, बहुत सारे जितनी आर्ट की अलग अलग स्टाइल्स थी उनकी बात हुई हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम जितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं इंडिया में, चाहे फिर इंडिया से बाहर के भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अमृता शेरगिल का स्टाइल है और वो भी पूरी उसकी जो लाइफ का बायोग्राफी है वो भी लिखी हुई है कि किस तरह से उन्होंने आर्ट को अपने लाइफ कैरियर में ओरिजिनेट किया। तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। बाहर के आर्टिस्ट का भी है, इंडिया के जो बाहर के आर्टिस्ट थे, लियोनार्डो दा विंची हो, चाहे रेम्ब्रांट हो, चाहे माइकलएंजेलो हो, उन सभी आर्टिस्ट का, चाहे टिशन हो या फिर रफेल। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हर आर्टिस्ट के यहाँ पे इन्होंने एक वो दी हुई है कि वो कैसे थे, वो क्या सोचते थे, उनकी क्या सोच थी। पिकासो का भी है देखिए फ्रेंड्स। तो ये बहुत अच्छी मुझे लगी, उनके मास्टरपीसेस के बारे में भी यहाँ बताया हुआ है कि जो पाब्लो पिकासो ने क्यूबिज्म के ऊपर काम किया है वो भी यहाँ पे देखिए अच्छे से उन्होंने बताया है कि क्या आखिरकार उसमें ख़ास था। तो ये फ्रेंड्स, आप ज़रूर डेफिनेटली इस बुक को ट्राई कीजिए। और अगर ये बुक आपको नहीं मिलती है, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, ऑनलाइन तो ये मिल नहीं रही है, जो लोग वाराणसी में रहते हैं उनके लिए बहुत इजी है इसको अप्रोच करना, वहाँ पे ये बहुत आसानी से मिल जाती है। तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए। अगर इसका कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलता तो इंटरनेट बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाइए, इस बुक के बारे में डालिए या किसी भी इंडियन आर्ट हिस्ट्री करके कुछ भी डालिए, आप देखेंगे फ्रेंड्स कि आपके पास लाइन लग जाएगी ऐसी चीज़ों की। और इवन आर्ट की जो टेक्निक्स हैं उसको भी सर्च करेंगे आप इंटरनेट पे, सारी चीज़ें पढ़िए फ्रेंड्स, उनसे आपकी नॉलेज गेन होगी। और जब आपकी नॉलेज गेन होगी तो आप इस फील्ड में अच्छे से आप अपने आप को एकोमोडेट कर पाएंगे बाकी आर्टिस्ट के साथ। तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स ये चीज़ समझना। तो आज के लिए फ़िलहाल इस आर्ट ट्यूटोरियल में, इस बुक रिव्यू में इतना ही फ्रेंड्स। और मैं इसी तरीके की और भी कोशिश करूँगा आपको बताने की। ये जो राइटर हैं इसके, ये लक्ष्मी नारायण नायक करके एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, इनकी लिखी हुई बुक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिए और समझने की, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। फर्दर मैं बहुत सारी और भी कुछ आर्टिस्ट के बारे में भी कुछ बायोग्राफी बताऊंगा आपको कि उन आर्टिस्ट ने कैसे अपने अचीव किया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पुराने जो हमारे पास आर्टिस्ट हैं फ्रेंड्स, जो कि इंडिया के थे या इंडिया से बाहर के थे, उन्होंने कैसे अचीव किया आर्ट में इतना कुछ, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या प्रोसेस करते थे वो समझना भी ज़रूरी है, उसको ड्रॉ करना, जिस तरीके से वो ड्रॉ करते थे उस तरह से करना, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया था आर्ट की फील्ड में। तो हम उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उनको जानना ज़रूरी है। भले आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हों, लेकिन जब तक आप उन टेक्निक्स को, उन स्किल्स को नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको कोई नहीं ऐसा सच रिकग्नाइज करने वाला। तो वो ज़रूर आपको आना चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल इस ट्यूटोरियल में इतना ही, और आप इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए, इसमें मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कुछ नया डालने की। तो फ्रेंड्स थैंक यू, फ्रेंड्स थैंक यू वंस अगेन।